First of all, I'd like to welcome all of you on the occasion of the anniversary function which we are celebrating right now. And as it is mentioned by Gadde sir, it is our motto to prepare each and every student of you to face the upcoming problems, upcoming challenges of our area, to prepare each student as a confident student, as a confident person, confident child who has all the abilities to face all the situations, all sort of challenges which we need to face in the upcoming, or the, let's say, in the upcoming period. हमारे कामोटे स्कूल के सारे बच्चे जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं फिर भी आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि हम एक तरफ तो इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से विश्व भर के अलग अलग ज्ञान से जुड़े हुए हैं। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आज ही के कल या आज ही के दिन नासा, उनकी एक इंस्टीट्यूट है कि जिसके माध्यम से अलग अलग तरीके का संशोधन किया जाता है, और जो मार्स नाम का एक ग्रह है कि जिसके ऊपर जीव सृष्टि है या नहीं, उसके बारे में काफी खोज की जा रही है। मंगल ग्रह की बात हम करते हैं, उस मंगल ग्रह पर जीव सृष्टि पनप सकती है या नहीं, अगर पनपनी चाहिए तो उसके ऊपर पानी की आवश्यकता है, और अगर पानी की आवश्यकता है तो पानी आज तक नहीं मिल रहा था, पर अभी यह संशोधन किया गया है जो आज टेलीविजन पे, कल टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है कि मंगल ग्रह पे पानी मिल चुका है। अब यह खोजा जाएगा कि क्या वो पानी पीने लायक है, क्या उस पानी से जीव सृष्टि वहां पर जीवित हो सकती है और बढ़ सकती है। और वहीं पे हम देख सकते हैं कि हमारे देश में अब तक कुछ गांव, कुछ कस्बे ऐसे भी हो सकते हैं कि जहां पर अगर लड़की मांगलिक हुई तो उसकी शादी नहीं होती। ये कुछ बहुत साल पहले वाली बात नहीं है, अब तक हमारे देश में कुछ ऐसे कस्बे हैं कि जहां पर लड़की का मांगलिक होना अशुभ है। लड़का कुछ भी हो, लड़का कुछ भी करता हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी देश में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आज की तारीख में अपने आप को इस कदर साबित कर चुकी हैं कि आज लड़कियां किसी काम से अछूत नहीं है, किसी काम में वो पीछे नहीं हटती। कोई भी काम लड़कियों के ऊपर सौंप दो, वो काम भली भांति पूरा कर सकती है। ये विश्वास लड़कियों ने अपने हुनर से, अपने जिगर से करके दिखाया है। उन लड़कियों को भी हमको सैल्यूट करना चाहिए, उनका भी अभिनंदन हमें करना चाहिए। आप सारे बच्चे जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप में से सारे लोग इस तरफ देख ले तो सारी की सारी लेडीज टीचर ही है जो आज यहाँ पे खड़ी है और हमें अच्छी तरीके से शिक्षा देकर आपको कॉलेज तक पहुंचाने के लिए बहुत ही काबिलियत के साथ आपको सिखाने की तैयार है। आज हमारे मंच पर रामचंद्र ठाकुर साहब बैठे हैं, जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्था, जो रयत शिक्षण संस्था हमारा यहाँ पर सिंबल है कि उसकी एक शाखा बनकर एक जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्था चलाना चाहते हैं। गर्दे सर यहाँ पर मौजूद हैं, जिस कॉलेज के माध्यम से वो आज यहाँ पर इस नवी मुंबई एरिया को, उसको अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो सीकेटी कॉलेज आज यहाँ पर पूरे नवी मुंबई एरिया में एक अपना नाम बनाना चाहता है,
उस कॉलेज की 80% प्राइज विनर्स लड़कियां हैं। कोई भी फील्ड ले लीजिए, लड़कियां उस फील्ड में टॉप कर रही है। तो आज हम लोग जब कर्म विभावरा पाटिल जी का योगदान हमारे जीवन में, उस योगदान को मानते हैं, तो उसी वक्त आदरणीय लक्ष्मीबाई का भी योगदान हम मानते हैं। कि कर्म विभावरा पाटिल ने जिस राह पर चलना शुरू किया, लक्ष्मीबाई जी ने ये नहीं कहा कभी कि मैं गवार हूं, मैं अशिक्षित हूं, मैं आपकी भला कैसे मदद कर सकती हूं। पर कर्मवीर भावराम पाटिल उन्होंने जो मन में ठान लिया, उस राह पर चलते हुए उन्होंने हरदम उसका साथ दिया। जो बच्चे रयत शिक्षण संस्था के हॉस्टल में रहते थे, उन बच्चों को अपना माना। एक समय ऐसा आया कि लक्ष्मीबाई पाटिल यानी कर्मवीर भावराम पाटिल जी की पत्नी, उनके घर से चिट्ठी आई कि आपकी माँ बीमार है, जल्दी जल्दी मायके चले आओ। उन्होंने कहा मेरे हॉस्टल में एक लड़का बीमार है, वो लड़का मेरा लड़का है, हॉस्टल का लड़का नहीं है, मेरा लड़का है, जब तक वो ठीक नहीं होता मैं घर पे नहीं आ सकती। ये लगा उनका संस्था के प्रति था। आज सचमुच में हम सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, 128वीं जन्म सदी हम उनकी मना रहे हैं, 128वीं जन्म सदी हम मना रहे हैं। हमको शायद हमारे घर के सारे लोगों की जन्म तिथि याद नहीं है, कौन किस दिन जन्मा था हम नहीं बता पाएंगे, पर कर्मवीर भावराम पाटिल जी की 128वीं जन्म सदी हम मना रहे हैं। उसके पीछे वजह है कि आज आप सब लोग शायद सीख रहे हैं, क्योंकि आपके माता पिता जो यहाँ पर बैठे हैं, ये सारे चाहते हैं कि आप न सिर्फ अच्छी पढ़ाई करें बल्कि जीवन में आगे बढ़ते हुए आप अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करें। पर एक समय ऐसा था कि न सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी पढ़ नहीं पाते थे। जो शहर में है वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो गांव में रहने वाले लड़के हैं, अगर उनके जेब में पैसा नहीं है तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। कर्मवीर भावराम पाटिल जी ने अपने पूरे जीवित कार्य में ऐसी जगह पे स्कूल्स खोली जहां पे कोई भी फीस, बड़ी बड़ी फीस लेकर स्कूल चलाने वाली संस्था अपनी स्कूल चला नहीं सकते थे, ऐसी जगह पर जाकर स्कूल खोला। आज रयत शिक्षण संस्था कामोटे जैसे शहर में यहाँ पर पढ़ाने के लिए आई हुई है, और कामोटे जैसे शहर में पढ़ाते हुए इंग्लिश मीडियम के स्कूल के माध्यम से आपको अंग्रेजी की शिक्षा दे रही है। अंग्रेजी की शिक्षा कर्मवीर भावराम पाटिल जी के माध्यम से चलाने वाली इस रयत शिक्षण संस्था केवल पूरे संस्थाओं में से 5 या 10 जगह पे इंग्लिश मीडियम के स्कूल के माध्यम से पढ़ाती है। तो क्यों पढ़ा रही है, बाकी भी सारे स्कूल्स हैं जो इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दे सकती है, पर उनकी फीस और इस कर्मवीर भावराम पाटिल जी के माध्यम से चलाने वाली रयत शिक्षण संस्था के हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल की फीस, इसमें काफी सारा अंतर है। और ये अंतर सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हम कहीं उनको कम दर्जा की पढ़ाई देना चाहते हैं, कहीं उनको कम फैसिलिटी देना चाहते हैं। जिस तरीके से आप बच्चे बड़े होते जाएंगे, उसी तरीके से यह संस्था भी अलग अलग फैसिलिटीज के माध्यम से आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। स्कूल के माध्यम से न कि सिर्फ आपकी एकेडमिक्स पर ध्यान दिया जाएगा, उसके साथ साथ आपके स्पोर्ट्स एजुकेशन के ऊपर, आपके कल्चरल एजुकेशन के ऊपर भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा। और जब तक स्कूल लेवल से ऊंचा उठकर आप जूनियर कॉलेज में जाए, जूनियर कॉलेज से उठकर आप सीनियर कॉलेज में जाए, आपको आगे बढ़ते हुए न सिर्फ एकेडमिक्स में आपको बेहतर होना होगा, आपको सारे फील्ड्स में बेहतर होना होगा। अगर आप ऐसे कोई बच्चे एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते तो स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि नहीं रखते तो कल्चरल फील्ड में आगे जा सकते हैं। कौन से फील्ड आपके लिए उपलब्ध है, किस फील्ड में आगे जाने से आपको और ज्यादा जीवन में आप यशस्वी हो सकते हैं, इन सारी चीजों का ज्ञान आपको दे, इसके लिए ये इंग्लिश मीडियम स्कूल आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में काम करके रहेगा। इसके लिए मंच पर बैठे हुए आदरणीय रामशेष ठाकुर साहब हैं या हमारे मंच पर बैठे हुए सारे साथी हैं, तो सारे साथी मिलकर हम प्रयास करेंगे कि कामोटे के सारे स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम स्कूल का ये यूनिट
हम लोग एक अव्वल दर्जे का स्कूल बनकर रहेंगे। इसके लिए जिस तरीके से बच्चे आगे बढ़ेंगे, जो पेरेंट्स आज यहाँ पर मौजूद हैं, पेरेंट्स का भी उतना ही सहयोग चाहिए, अपने बच्चों के विकास में आपका भी उतना ही योगदान चाहिए। और जो स्कूल, जो संस्था आज हमारे बच्चों को पढ़ाई देने के लिए आगे आकर हाथ बटाना चाहती है, उस संस्था के बारे में भी हम जान ले। उस संस्था के जो प्रमोटर्स हैं, संस्था के जो निर्माता है, आदरणीय पद्मभूषण उनको किताब दिया गया, डॉक्टरेट किताब दिया गया, लेकिन खुद उनकी पढ़ाई, उन्होंने कॉलेज की भी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, पर उनके मन में, उनके रग रग में शिक्षा भरी हुई थी, बच्चों का विकास ये संकल्पना उनके मन में भरी हुई थी। तो ऐसे महापुरुष के बारे में उनकी यादगार बनकर आज का 22 सितंबर का दिन मनाया जाता है। पर एक 22 सितंबर के दिन हम कितनी जगहों पर प्रोग्राम मना सकते हैं। आदरणीय रामशेठ ठाकुर साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे धनोड़े सर यहाँ पे बैठे हैं, 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक रोज एक एक दिन दो दो जगह पर रहे शिक्षण संस्था के इस विभाग के अलग अलग स्कूल में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और हर स्कूल के बच्चे आगे उठकर कर्मवीर जी को याद करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए न सिर्फ आज का दिन, साल में कितने दिन रहते हैं, 365 दिन, तो 365 दिन हम बड़े हो और आगे बढ़ते हुए हम लोग हमारे जीवन में जिनका महत्वपूर्ण स्थान है उनको याद न करें तो हमारे लिए वो छोटापन हो जाएगा। हमको हर दिन कर्मवीर अन्ना को याद रखना होगा और उनको, उन्होंने हमारे लिए किया हुआ बलिदान, उनका योगदान याद रखते हुए हमें ऊंचा उठना होगा, हमारी स्कूल का नाम रोशन करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कामोटे की हमारे सारे बच्चे आने वाले समय में किसी भी कंपटीशन को मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और इसके लिए तैयार होते हुए हमारी स्कूल का, आपके परिवार का भी नाम रोशन करेंगे। इसके लिए मेरे ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।